चुका है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ना तो टाइपिंग की गाइडलाइन जारी कर पाया और ना ही टाइपिंग टेस्ट की डेट तय कर पाया है। ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। चयनित अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से कई बार इस बात के लिए गुहार लगा चुके हैं कि टाइपिंग की गाइडलाइंस और डेट जारी की जाए, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। अब एलडीसी भर्ती परीक्षा का मामला सिर्फ अटका इसलिए है क्योंकि ये डेट जारी नहीं हुई है परीक्षा की, और अगर गाइडलाइन और उसके साथ साथ टाइपिंग की डेट जारी होती है तो कम से कम वो अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में चयनित होकर सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं भर्ती होते वो अभी तक अटके पड़े हैं। ललित वर्मा जी मीडिया संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, बातचीत करते हैं। ललित, निश्चित रूप से एक तरफ पहले परीक्षा होती है आपके लिखित में, जो अलग अलग परीक्षा स्तर हैं, आप उन तमाम स्तरों से होकर गुजरते हैं, लेकिन कहीं पर आकर अटक जाते हैं और उसके बाद लगता है कि साहब अब क्या करें, क्योंकि वो चीजें तो बोर्ड में ही अटकी हुई हैं। फिलहाल इस बारे में क्या कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं एलडीसी परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल आशीष, अगर बात की जाए एलडीसी इतिहास की, ये सबसे बड़ी भर्ती है क्योंकि तकरीबन 13,000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी। 5 महीने का समय हो गया है जो 3 गुना अभ्यर्थी हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए जिनका चयन किया गया है, लेकिन अभी तक ना तो गाइडलाइन जारी हुई है नई तिथि। एलडीसी से जुड़े हुए अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। सुनील जी, क्या मामला है, आखिर क्यों ये गाइडलाइन जारी नहीं हो पा रही? देखिए, एलडीसी के करीब 12,456 यानी अब तो एमबीसी के बढ़ के 13,000 पद हो जाएंगे, तो ये भर्ती निकले हुए तो विज्ञप्ति निकले हुए तो आज करीब 1.5 साल के करीब हो गया है, और रिजल्ट आया था 7 मार्च को, उसको भी 4 से 5 महीने हो गए, लेकिन बोर्ड ने न तो अभी तक कोई टाइपिंग की गाइडलाइन जारी की है और न ही डेट जारी की है। सबसे बड़ी समस्या 36,000 चयनितों के सामने है कि उन्हें आज ये भी नहीं पता है कि टाइपिंग किस प्रकार से होगी, टाइपिंग का पैटर्न क्या होगा, उन्हें किस प्रकार से तैयारी करनी है, और यदि आनन फानन में बोर्ड के द्वारा 10 से 20 दिन देकर टाइपिंग करवाई जाती है तो हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ होगा। हजारों भविष्य के जो अभ्यर्थी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, एलडीसी भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है, प्रदेश के 13,000 बेरोजगारों को नियुक्ति मिलेगी, ऐसे में अगर टाइपिंग के टेस्ट में कम समय मिला तो किस तरह की समस्याएं होंगी? जैसे पिछली बार सूचना सहायक में जो अभ्यर्थियों के साथ दिक्कत आई, अच्छी तैयारी करी उन्होंने लेकिन टाइपिंग में 20 दिन का समय मिला, इसी प्रकार एलडीसी में जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, टॉप 100 में जो स्टूडेंट आ रहे हैं, अगर उनको समय पर टाइपिंग गाइडलाइन पता नहीं चलती है तो उनके भविष्य के साथ पिछले 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनको पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन होगा, अगर इस प्रकार से आता है तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, हताश होंगे, हताश होकर के किसी गलत दिशा में कदम उठाएंगे। तो हमारा बोर्ड से यही अनुरोध रहा है बार बार कि समय पर गाइडलाइन जारी करें, स्पष्ट निर्देश दें, और कीबोर्ड की भी हमने जो बात करी थी उनमें एक स्पष्ट दिशा निर्देश कीबोर्ड के हो, टाइपिंग की स्पष्ट गाइडलाइन हो, वो जल्दी से जारी कर दे, जब भी इनको टेस्ट करवाना स्टूडेंट तैयार हो जाएंगे। आपसे जाना चाहेंगे, कर्मचारी चयन बोर्ड से मुलाकात भी हुई है, क्या कहना है उनका? कर्मचारी चयन बोर्ड से हमेशा हमारे को यही आश्वासन मिलता है कि हम आपसे 30 दिन का टाइम देंगे टाइपिंग के लिए, लेकिन जब तक गाइडलाइन जारी नहीं करेंगे इस कारण से हमारा जो टाइपिंग सेंटर है वो ज्वाइन कर रखे हैं, पिछले 5-6 महीने से लगभग हमने 10 से 12 हज़ार रुपये टाइपिंग सेंटर वालों को दे दिए, तो यानी जब आनन फानन में गाइडलाइन जारी करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो 5-6 महीने में निराश होकर टाइपिंग छोड़ चुके हैं, तो उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ होगा। ये सवाल हो गए, साथ खिलवाड़ होगा, आपसे जानना चाहेंगे, सवाल ये दरअसल बनता है, ठीक है गाइडलाइंस जारी नहीं हुई हैं या बार बार ये कहा जाता है बोर्ड की तरफ से कि आपको वक्त देंगे जब गाइडलाइन जारी करेंगे, लेकिन टेक्निकल जो प्रॉब्लम है दरअसल वो है क्या, तकनीकी पेंच आखिर फंसा कहां पे है, क्यों बोर्ड कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा, या चूंकि आप जब आप एक भर्ती परीक्षा निकालते हैं तो उसको पूरी तरीके से मुकम्मल क्यों नहीं होने देते, उसको अटका कर क्यों रखते हैं, तो तकनीकी जो दिक्कत है वो जरा डिस्कशन कीजिए कि आखिर क्या लगती है, क्यों आ रही है बार बार ये दिक्कत? जी बिल्कुल आशीष, तकनीकी कारण जानने के लिए हम सुनील जी से बात करेंगे। सुनील जी, क्या तकनीकी कारण है जिसकी वजह से ये गाइडलाइन जारी नहीं हो पाई है? पहले आरक्षण का था, चलो आरक्षण के बाद रिजल्ट जारी हो गया, सरकार ने भी आरक्षण का जो रास्ता है वो स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अब क्या वजह हो रही है कि ये गाइडलाइन जारी नहीं हो रही? देखिए, बोर्ड हर बार ये कह रहा है कि जब भी हम बोर्ड से हम मिले हैं तो उन्होंने कहा है कि हम 15 से 20 दिन में या 5 दिन में या 10 दिन में जारी कर रहे हैं। पहले तो हम सब भी समझते थे कि आरक्षण जैसा एक बहुत बड़ा मसला था जिस वजह से टाइपिंग की गाइडलाइन जारी नहीं हो रही, क्योंकि बोर्ड खुद भी कार्मिक विभाग के निर्देशों पर चलता है तो जब तक सरकार नहीं निर्देश देती, लेकिन अब फिलहाल ऐसा कोई तकनीकी कारण नहीं दिख रहा है जिस वजह से बोर्ड गाइडलाइन जारी नहीं कर सके, क्योंकि कल ही हमने देखा है कि बोर्ड ने बहुत सारे एक साथ 6 से 7 परिणाम जारी किए, जब परिणाम जारी हो सकते हैं तो टाइपिंग की गाइडलाइन क्यों नहीं जारी की जा रही है? तो क्या बोर्ड की लेट लतीफी या लापरवाही के रूप में मान सकते हैं इसको? यही मान सकते हैं, क्योंकि हम बार बार बोर्ड पे जब जितनी बार भी जाते हैं तो वो सिर्फ यही आश्वासन देते हैं कि हम 30 दिन में गाइडलाइन जारी कर देंगे,
आगे जो डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, चलो डेट पे डेट दे रहे हैं, तारीख पे तारीख मिल रही है आशीष कुलवर, लेकिन इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ये भले फिल्म का एक डायलॉग सा लगता हो।